स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली स्टाइल छोला चाट, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत इजी है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए बना लेते हैं दिल्ली स्टाइल छोला चाट। छोला चाट बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी छोले, ये सफ़ेद चने हैं, कुछ लोग उसे छोले बोलते हैं, कुछ लोग वाइट चने बोलते हैं। इसे हम एक बाउल में डाल के साफ पानी से धो के इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रखेंगे और सुबह हम इसकी चाट बनाएंगे। छोला चाट के लिए हमें इमली की चटनी की भी ज़रूरत होगी। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम इमली और ये 2.5 पीसेस के करीब है गुड़। इसे हम एक साथ आधा घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे। एक बड़े बाउल में इमली डालेंगे और गुड़ को बिना तोड़े ही डाल देंगे, क्योंकि जब गुड़ भीगेगा तो अपने आप ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी डाल देते हैं और 30 मिनट के लिए इसे भीगने के लिए रख देते हैं। हमने जो इमली और गुड़ भिगो के रखा था वो अच्छे से भीग गया है। अभी हम इसे हाथों से मसलते हुए इसकी चटनी बना लेंगे। इसका जो कचरा है, जो भी इसमें गुठली है, जो भी इसमें कचरा है, वो हम निकाल देंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। अभी हमने इसे मसल लिया है, अभी हम इसे छान लेते हैं। मैंने एक बाउल पे छलनी रख दी है। अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका पल्प अलग कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे तो इसका जो भी कचरा है इमली का वो ऊपर रह जाएगा और इसका पल्प अलग हो जाएगा। अभी हमने इमली और गुड़ के पल्प को अलग कर लिया है और इसमें जो भी इसका इमली का कचरा था वो अलग कर दिया है। अभी हम इसे पका लेते हैं। अभी मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और इसमें जो इमली और गुड़ का पल्प था वो डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने तक इसे पका लेंगे। अभी इसमें उबाल आ गया है। अभी हम इसमें मगज के बीज डालेंगे। मगज के बीज ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और अभी हम इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। मैं इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखूंगी, आप चाहे तो इसे थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे उबालेंगे। अगर आप इसे अच्छे से उबाल के पका लेंगे तो आप इसे ठंडा करके कांच के जार में भर के फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अभी इमली की चटनी बन चुकी है और अभी ये कम गाढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और गाढ़ी होगी। तो अभी हम इसे फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करके कांच के जार में भर के रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसे कांच के जार में भर के फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए स्टोर करना चाहे तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमने जो सफ़ेद चने भिगो के रखे थे वो भीग गए हैं। अभी हम इसे कुकर में डाल लेते हैं और इसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हम बाद में भी मसाले ऐड करेंगे। और इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम पानी चने के लेवल तक ही लाएंगे, ऊपर पानी नहीं डालेंगे हम इसमें।
और अभी हम इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए मैजिक मसाला तैयार कर लेंगे। मैं इसमें बाउल में 1/2 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल गरम हो गया है। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और 1 चम्मच भर के बेसन डालेंगे और बेसन को सेक लेंगे हम। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, बेसन को ज्यादा नहीं सेकना है, बस 1 मिनट सेकेंगे। अभी बेसन सिक चुका है, अभी हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। मैंने 1 हरी मिर्ची ली थी जिसे बारीक बारीक काट लिया है और 1 टमाटर लिया था जिसे बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। लो फ्लेम पे टमाटर और हरी मिर्ची को पका लेंगे। और अभी इसमें जो हमने मैजिक मसाला बनाया था वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, लेकिन फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अभी मसालों को हम पका लेते हैं ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। अभी मसाला अच्छे से पक चुका है, अभी हम इसमें जो छोले उबाल के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने छोले को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। इस वक्त आप चाहे तो इसमें जो उबले हुए छोले का पानी है वो डाल सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से उन्हें सूखा सूखा भी रख सकते हैं और आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं या साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का हल्का मैश भी करूंगी और उबले हुए छोले का जो पानी था वो भी डालूंगी। अभी मैंने इसमें जो छोले में पानी था वो डाल दिया है और अभी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे क्योंकि मेरे घर में सभी मैश किए हुए छोला चाट ही पसंद करते हैं। अभी हमने छोले को अच्छे से मैश कर लिया है, अभी हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे।
और फिर हम इसे सर्व करेंगे। अभी हम धनिये की चटनी बना लेते हैं। धनिये की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, एक टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां और हरी मिर्च। अभी हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। पहले धनिया डालेंगे। धनिये को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके डंठल नहीं काटे हैं। लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे और टमाटर डाल देंगे, नमक डालेंगे, मैं चौथाई चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अभी हम इसे पीस लेते हैं। अभी हमने छोले को एक बाउल में सर्व कर लिया है। अभी हम इस पे धनिया की चटनी डालेंगे और इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बारीक कटे टमाटर डालेंगे, बारीक कटे प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो लीजिए, अभी हमारे दिल्ली स्टाइल छोला चाट तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करें।